भारत के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं कुलदीप यादव। बताया क्या है सपना? आईसीसी वर्ल्ड कप 2019, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 अब करीब आता जा रहा है। इंग्लैंड और वेल्स में 30 मई से क्रिकेट के महाकुंभ का आयोजन शुरू हो रहा है। टीम इंडिया को अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 जून को हैम्पशायर बाउल में खेलना है। भारत के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने वर्ल्ड कप से पहले कहा है कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती है तो यह उनके करियर का खास पल होगा। कुलदीप यादव ने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे विश्व कप टीम में शामिल होने का मौका मिलेगा। कलाई के इस जादूगर ने कहा कि वे विश्व कप के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। इस मेगा इवेंट में अभी काफी समय है। उन्होंने कहा, विश्व कप का दबाव तो रहेगा ही सभी खिलाड़ियों पर, लेकिन यह परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करता है। परिस्थितियां वास्तव में अहमियत नहीं रखती, खासकर वन अड्डे में। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ, न ही मैं कुछ नया करने की सोच रहा हूँ। यदि आप किसी रहस्य में विश्वास करते हैं तो मैं बता दूं कि मेरा इसमें कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं अब भी सपनों में ही हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विश्व कप के लिए टीम में हो सकता हूं। यह मेरे जीवन का अहम पल होगा। मैं यह भी नहीं जानता कि मैं इसे कैसे सेलिब्रेट करूंगा। पूरा देश चाहता है कि मैं कप जीतने में टीम की मदद करूं, और मैं बस इतना चाहता हूं कि सार्थक भूमिका निभा सकूं। यही मेरा सपना है। वर्ल्ड कप से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 T20 और 5 वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है। सीरीज का पहला T20 मैच 24 फरवरी को खेला जाना है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज 24 फरवरी 2019 - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला T20 मैच विशाखापट्टनम 27 फरवरी 2019 - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20 मैच बेंगलुरु। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 2 मार्च 2019 - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे मैच हैदराबाद 5 मार्च 2019 - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे मैच नागपुर 8 मार्च 2019 - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा वनडे मैच रांची 10 मार्च 2019 - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा वनडे मैच मोहाली 13 मार्च 2019 - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवां वनडे मैच दिल्ली